नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की न्यूज़ नेटवर्क के अंदर। आज हम उस एरिया के अंदर है जिस एरिया के अंदर कहा जाता है दिवाली बनती है, खुशियाँ आती है, और दिवाली उन घरों के अंदर बनी जाती है जिन घरों के अंदर जो परिपूर्ण होते हैं और परिशक्ष होते हैं। लेकिन आज की ये अनोखी दिवाली इस प्राकृतिक आपदा के बीच में जो दिवाली बन रही है, आप देख रहे हैं हम आज उस क्षेत्र के अंदर, जहां क्षेत्र के अंदर एक गरीब जनता निवास कर रही है, पूरा स्लम्स एरिया ये है। वो गरीब लोग, वो व्यक्ति आपके सामने आप देख रहे हैं जो अपना गुजारा करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन वो परेशान है इस बेरोजगारी से, और वो परेशान है इस प्राकृतिक आपदा से, वो परेशान है उस स्थिति से जो देश के अंदर आज स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। शायद जहां तक है मैं नहीं मानता कि इस नेटवर्क को, इस न्यूज को कोई अन्य मीडिया दिखाएगा, लेकिन जनता की आवाज नेटवर्क आपको उस तह तक, उस ग्राउंड रिपोर्ट तक दिखाएगा जो ग्राउंड रिपोर्ट आज आप देख रहे हैं, दिवाली उन गरीबों की दिवाली। और ये सभी लोग साथ में हैं, ये सभी लोग उस देश के साथ में, उनके साथ में कि इस देश के अंदर ऐसी आपदा दोबारा पैदा ना हो। मोदी जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उस निर्देश का ये पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हाथों के अंदर दिए, मोमबत्ती और मोबाइल की टॉर्च जलाकर ये पूरे देश को ये समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश में ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सभी लोग इस देश के साथ में हैं, हम सभी लोग इस प्राकृतिक आपदा को मिटाने के लिए हम लोग साथ में। फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की या सरकार की एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि सरकार और प्रशासन इन लोगों पर ध्यान नहीं दे पाती है। ये अपना बसेरा उन झुग्गी झोपड़ियों में करते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी आप देख रहे हैं बसेरा ये वहाँ करते हैं। इनके सुबह के अगर खाना मिल जाता तो शाम के खाने का पता नहीं होता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वास्तविक सच भी है कि बीच के अंदर रहने वाले वह व्यक्ति, बीच में रहने वाले वह समर्थक इन गरीबों का निवाला वो खा जाते हैं, और ये लोग भूखे वाली स्थिति में रुक जाते हैं। आज हम इस मौके पर प्राकृतिक आपदा को लेकर, इस मौके पर हम आज उन लोगों से रूबरू होंगे, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आपको कौन सी समस्याओं का अब इस वर्तमान समय के अंदर सामना करना पड़ रहा है, और आप इस नेटवर्क, इस न्यूज़ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और राज्य सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी सुविधाएं कहां तक हो सके, आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिल सके। मैं बात करना चाहूँगा एक उस बुजुर्ग माँ से जो इस देश के लिए आज वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि इस पूरे देश में जहां इनके दिलों में अंधेरा है और जहां इस देश में प्राकृतिक आपदा का अंधेरा है, एक दीपक लेके हाथ में खड़ी है और यही संदेश देना चाह रही है कि मेरे देश में उजाला हो, मेरे देश में आपदा खत्म हो जाए। अम्मा, शुभ नाम आपका? शांति देवी। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? समस्याओं का सामना करना पड़ता है बेटा। समय पे खाना मिल जाता है प्रशासन की तरफ से आपको? कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है तो खाना नहीं मिल पाता आपके पास? पहुंचता खाना? पहुंच जाता, कभी पहुंच जाता, कभी नहीं पहुंचता, कभी दो दो टाइम आ जाता, कभी एक टाइम भी नहीं आता। आप देख रहे हैं उन समस्याओं के लिए। बेटा शुभ नाम आपका? अमन। अमन बेटा, दिया क्यों जलाया आपने आज? कोरोना भगाने के लिए। कोरोना भगाने के लिए। तो आप ये मुझे ये बताएंगे बेटा, खाना आप लोगों को सुबह शाम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। पढ़ाई करते हैं आप लोग? हाँ। कौन सी कक्षा में हो? 8th। 8th क्लास में हो? प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में हो। कभी आपके यहाँ का जो स्थानीय पार्षद या विधायक कभी आपसे आके मिले? कभी कोई नेता मिलता है आपसे आके? नहीं मिला। आप देख रहे हैं नजारा, हम उस एरिया के अंदर हैं जहाँ पर जिन लोगों को पूछने के लिए ना तो कोई विधायक यहाँ आता है, ना कोई सांसद कोई आता है, ना यहाँ का कोई पार्षद आता है। क्यों? ये वो असक्षम लोग हैं, वो गरीब लोग हैं जिनकी सुनवाई करने के लिए प्रशासन आज भी बैसद है।
कैमरामैन गौरव सिंह जादौन के साथ में पवन कुमार, जनता की आवाज, न्यूज नेटवर्क, जयपुर।